Hey everyone, so in this class we will be looking at William Empson. इनका एक वर्क है जो आपने सुना होगा, मे बी सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी. आपने कई बार अगर पेपर एनालाइज किए हैं तो आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किसने पब्लिश किया था. तो ये एम्पसन का एक वर्क था. एम्पसन कौन थे? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रिचर्ड्स की, आई ए रिचर्ड्स की. सो एम्पसन वॉज द स्टूडेंट ऑफ आई ए रिचर्ड्स. नाउ इन दिस क्लास वी विल बी लुकिंग एट हिज एम्बिग्यूटी. इन्होंने कौन कौन सी एम्बिग्यूटी की बात करी है, सेवन जो टाइप्स बोले हैं वो कौन कौन से हैं. प्लस आपको एक चीज़ अब ये याद रखनी है कि हम मेनली न्यू क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि एम्पसन, रिचर्ड्स ये सारे न्यू क्रिटिसिज्म के अंडर में आते हैं, राइट? तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या बोलता था? दैट वी हैव टू फोकस ऑन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है, राइट? कि हमें ऑथर से मतलब नहीं है, उसकी बायोग्राफी से मतलब नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मतलब नहीं. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर द वर्ड्स. जिस तरीके से वर्ड्स लिखे गए हैं, फ्रेजेस लिखे गए हैं, वी हैव टू एनालाइज द टेक्स्ट कि एक पेज में क्या क्या चीज़ें हैं. अब यहाँ पर एम्पसन ने एक क्वेश्चन ये उठाया जो कि प्रॉब्लम थी उनके अकॉर्डिंग. उन्होंने बोला कि ठीक है, ऑल राइट, कि हम बाकी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं मतलब कि ऑथर ने क्या सोच के लिखा, इंटेंशन क्या था, बायोग्राफी क्या थी, या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें लिखी गई हैं, ऑल राइट, हमें नहीं देखना. लेकिन प्रॉब्लम फिर ये आती है कि जब आप किसी वर्ड को, किसी पोइट्री को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई पोइट्री को एनालाइज कर रहे हैं, देन द प्रॉब्लम इज़ कि आप जो वर्ड्स पढ़ते हो, हर एक वर्ड जो होता है लिखा हुआ होता है, क्योंकि आप न्यू क्रिटिसिज्म की क्रिटिक हो तो आप सिर्फ वर्ड्स को एनालाइज कर रहे हो, टेक्स्ट बुक को एनालाइज कर रहे हो. लेकिन जो टेक्स्ट बुक में चीज़ें लिखी होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी होती है. एम्बिग्यूटी मतलब जैसे एक वर्ड के एक से ज़्यादा जब मीनिंग निकल कर आते हैं. अब एम्बिग्यूटी का मतलब यही हो गया कि जब आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें एक एक लाइन है, अब उस लाइन में अगर कोई वर्ड यूज़ कर रखा है या फिर कोई लाइन यूज़ करके फ्रेज यूज़ कर रखा है तो उस फ्रेज़ का मतलब एक मतलब से ज़्यादा निकल सकते हैं. तो इसी को इन्होंने बोला कि ये एम्बिग्यूटी होती है. और एक टेक्स्ट में, पोइट्री में, किसी भी चीज़ में, एक्स वाई जेड कोई भी लिटरेचर है, उसमें सेवन काइंड्स ऑफ एम्बिग्यूटी हो सकती है इनके अकॉर्डिंग. फर्स्ट काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी इन्होंने क्या बोली? मेटाफर की. मेटाफर क्या होता है? जब आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, राइट, और इससे क्या होता है, एक एम्बिग्यूटी निकल कर आती है कि लोग समझ नहीं पाते. एज अ रीडर हम नहीं समझ पाते कि क्या बोलना चाह रहा है कोई भी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, कि उसका जो दिल है वो पत्थर का है. लेकिन अगर कोई इसे लिटरल तरीके से पढ़े, सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़े, तो वो क्या पढ़ेगा कि उसका जो दिल है वो पत्थर का है. लेकिन वो पत्थर का, एक स्टोन का हार्ट नहीं है. लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि वो इनसेंसिटिव है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है बहुत ज़्यादा, यू नो, उसका जो हार्ट है वो टफ़ है, वो चीज़ों को फील नहीं कर पाता. तो ये क्या हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है. हो सकता है कोई और, कोई रीडर ऐसा हो जो ये ना समझ पाए, तो उसके लिए जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी, और जो मैम मे बी मेरे लिए जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी. ये क्या हुआ, ये भी एक एम्बिग्यूटी का काम करती है. कौन सा मीनिंग निकलेगा इस चीज़ का काम करती है, जिससे कि टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है इंडिविजुअल के लिए. सेकेंड इन्होंने बोला जो एम्बिग्यूटी होती है वो एंटीथीसिस की होती है. तो एंटीथीसिस हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं. जैसे एंटीथीसिस का क्या मतलब होता है, जब आप दो आइडियाज़ को साथ में रख देते हैं, लाइक अपोजिट आइडियाज़ हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, उनको एक साथ एक फ्रेज में यूज़ कर रहे हैं. वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, लाइक न्यू इज़ सिल्वर बट ओल्ड इज़ गोल्ड. तो ये क्या हुआ, न्यू इज़ सिल्वर, ये अपोजिट आइडियाज़ हो गए, न्यू इज़ सिल्वर बट ओल्ड इज़ गोल्ड. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हम दो डिफरेंट मेटाफर यूज़ कर लेते हैं एक ही साथ. मैंने बोला न्यू इज़ सिल्वर, जो नया है वो सिल्वर है, ये भी एक मेटाफर हो गया, हम इसे मेटाफर में कंसिडर कर सकते हैं. मैंने बोला, सेकेंड फ्रेज मैंने क्या बोला, बट ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना है वो गोल्ड है. तो ये क्या हुआ, मैंने दो मेटाफर एक साथ यूज़ कर लिए. तो इसे ये बोला इन्होंने कि एंटीथीसिस की वजह से, ऐसे आइडियाज़ की वजह से भी जो लैंग्वेज है या फिर जो टेक्स्ट है उसमें एम्बिग्यूटी आती है, हम उसे एकदम करेक्ट तरीके से नहीं समझ पाते हैं जो एग्जैक्टली बोला गया है. अब जो नेक्स्ट थर्ड जो एम्बिग्यूटी है वो है एलिगरी की. अब एलिगरी क्या होता है, जब आप किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्लेटो की केव की एलिगरी है, राइट, आपको याद होगा कि केव के अकॉर्डिंग, केव के थ्रू उन्होंने वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है. तो इसमें क्या होता है, एलिगरी अगर हम ये बोल रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म में कि हम बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन उस टेक्स्ट में अगर किसी चीज़ की एलिगरी दे रखी है तो आप उसे कैसे कंसिडर कर पाओगे, कैसे उसे इंटरप्रेट करोगे? तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है. जॉर्ज ऑरवेल का जो वर्क है एनिमल फार्म्स, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसे, एनिमल फार्म किसने लिखा है या फिर इसमें कौन सा एग्जाम्पल है,
इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. ये एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है वैसे, पर ये लाइन बहुत बार आती है. एनीवे, तो जॉर्ज ऑरवेल में जो एनिमल फार्म है ये क्या है, ये एक एलिगरी है. अब अगर हम ये बोलें कि हमें बैकग्राउंड से मतलब नहीं है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे इस वर्क को. क्यों? क्योंकि जो एनिमल फार्म है वो कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन जो था उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको सिंबलाइज करता है. अब अगर हमें नहीं पता कि ये किसको सिंबलाइज करता है, क्योंकि हमने ये बोल दिया कि हम किसी भी चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, हम किसी भी चीज़ से लिंकअप नहीं करेंगे, हिस्ट्री नहीं देखेंगे, अगर हमें ये बोल दिया हमने, तो फिर हम ये बताइए कि अगर आप अब उसे पढ़ना चाहोगे तो आप उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे. तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है कि हम किस कैरेक्टर को किस चीज़ से एसोसिएट करेंगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री तो हटा दी. उसके बाद बात आती है सिमेंटिक एम्बिग्यूटी. सिमेंटिक मतलब जहाँ पे मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, कि किसी भी वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं. जैसे मैं बोलूँ बार्क है, ठीक है, तो हम डॉग्स बार्क भी बोलते हैं, कि कुत्ते जो है वो भौंक रहे हैं, एक वो होती है. एक हमारी जो ट्री होती है उसका भी बार्क होता है. तो ये एक ही वर्ड है लेकिन उसके आंसर अलग अलग हैं. तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो वो डिफरेंट हो जाता है कि किस वर्ड से आप क्या मतलब निकालते हो. तो फिर यहाँ पे एम्बिग्यूटी निकल कर आती है, कि कन्फ्यूजन है कि कौन सा असली मीनिंग है कौन सा नहीं है, आप सही इंटरप्रेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो. और इसमें एक और एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे कि जैसे हमारा बैंक होता है, बैंक हमारा फाइनेंशियल बैंक भी होता है, रिवर का जो एज होता है हम उसे भी बैंक बोलते हैं. तो ये भी एम्बिग्यूटी है. एक होती है सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी, जिसमें जैसे कि जो लाइन है वो इस तरीके से बोली जाती है कि उसके हम मीनिंग्स निकाल सकते हैं. आई सॉ अ मैन विद द टेलीस्कोप. अब इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी हो सकती है, जैसे कि मैंने एक पर्सन को देखा जब मैं टेलीस्कोप यूज़ कर रही थी, आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप, ठीक है. अब मैं ये भी इसका इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि आई सॉ अ मैन विद द टेलीस्कोप, कि मैंने एक इंसान को देखा जो टेलीस्कोप के साथ था, या फिर उसके पास टेलीस्कोप था. तो इस तरीके से एक ही वर्ड के दो अलग अलग, एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग तरीके से मीनिंग्स निकल सकते हैं. अब इसको छोड़ने के बाद एक और एम्बिग्यूटी निकल कर आती है, वो होती है पैराडॉक्स की, जब एक आइडिया अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है. एग्जाम्पल, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग. ये क्या हुआ, मैंने जो लाइन बोली मैंने उसी लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, कि मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कुछ नहीं पता. लेस इज़ मोर, जो कम है वो ज़्यादा है. ये भी हमने एक एम्बिग्यूटी यहाँ पर डाली, पैराडॉक्स की एम्बिग्यूटी है. उसके बाद एक और जो इसकी लास्ट एम्बिग्यूटी आती है वो है, इसमें नाम नहीं दिया गया है. उसमें बोला गया है जब एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा सेंटेंस यूज़ किया जाता है जहाँ पर ऑथर ने कुछ इंटेंट नहीं किया है, बट द रीडर्स दे आर फोर्स्ड टू इन्वेंट अ मीनिंग, कि ऑथर के अकॉर्डिंग उसका कोई मतलब नहीं था शायद, लेकिन एज अ रीडर हमें कोई ना कोई मीनिंग इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिफर करती हैं, कि कौन उस लाइन का, उस सेंटेंस का, फ्रेज का किस तरीके से मीनिंग निकालता है. तो मेनली इसमें 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी थी. आपके मेटाफर आता है, फिर आपकी एंटीथीसिस आती है, उसको छोड़ के आपका एलिगरी आती है, सिमेंटिक एम्बिग्यूटी आती है, सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी आती है, पैराडॉक्स, एंड लास्ट में आती है जब ऑथर ने कुछ इंटेंट नहीं किया बट वी हैव टू इन्वेंट अ मीनिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट. तो वहाँ पे भी एक एम्बिग्यूटी आ जाती है, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिफर कर सकती हैं. सो विद दिस आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड या, बाय बाय.